दोस्तों जब हम पनीर की सब्जी बनाते हैं तो वो काफ़ी रिच बनती है, जैसे कि उसमें बटर डलता है या काजू डलते हैं या क्रीम डलती है, तो ये काफ़ी हैवी होती है खाने में। और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं या वेट वॉचर्स, जिनको अपना वेट मेंटेन करना होता है या कम करना होता है, उनके लिए ये खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम केवल 2 चम्मच तेल में बनाएंगे और उतनी ही टेस्टी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और निधि की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें मसाला भूनना है, तो इसमें मैंने लिया है जीरा, धनिया और ये खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें है इलायची, दालचीनी, जावित्री और खसखस, काली मिर्च, लौंग। हमें इनको बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 मिनट। और हमें इसमें डालना है 1 टुकड़ा अदरक, साथ ही 1 बड़ा टुकड़ा नारियल का, कच्चा नारियल हो तो ठीक है, नहीं तो सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। 8-10 कलियाँ आप लहसुन की इसमें डाल सकते हैं। इसको हमें सूखा ही भूनना है, बिल्कुल कोई तेल नहीं डालना है। इसमें मैंने प्याज डाल दी है, अगर आप चाहें तो मसाले अलग से भून कर पीस सकते हैं, और मैं साथ में डाल रही हूँ। जब तक प्याज भून रही है तब तक सूखे मसाले हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च, साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी और ये थोड़ा सा गरम मसाला। इन सब में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर इसको अलग रख देंगे। प्याज हमारी पक रही है और ये आपको बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है, क्योंकि हमने इसमें तेल नहीं डाला है। इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इसको भी हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, जिससे प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे या स्वेट करेंगे तो वो आसानी से गल जाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के पका सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर तेल नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हमें फ्लेम का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत धीमी फ्लेम पर हमें पकाना है। अब टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल चुके हैं, अब हम इसको गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैं सिर्फ 2 चम्मच तेल ले रही हूँ, इसको गर्म करना है। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। अब जो मसाले हमने भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। फ्लेम आप धीमी ही रखिए और इसको चलाते हुए हमें बस 2 मिनट पकाना है, तब तक जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो रहा है इसमें, तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डाल देंगे। आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी, बिल्कुल टेस्ट में आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि इसमें काजू, बटर या क्रीम नहीं डली है। अब जो मिक्सी में, आपके मिक्सी के जार में कुछ मसाला रह गया हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप वो भी डाल दीजिए। इस तरह देखिए, आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम ढककर पकाएंगे और धीमी आंच पर। नमक हमने पहले डाल दिया था इसलिए हम बाद में नहीं डाल रहे हैं। तो इसको हमें पकने देना है लगभग 4 से 5 मिनट, धीमी आंच पर पकाइए और तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से भुन ना जाए और तेल इसका अलग ना हो जाए। तेल अलग होने का कारण ये होता है कि मसाला अच्छे से भुन जाता है तब वो तेल छोड़ देता है, तो तब हमें अपने आप पता चल जाता है कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अगर मसाले को भूनने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, तो अगर सूख गया हो तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको भून सकते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुनने के बाद आप इसमें क्यूब करे हुए पनीर डाल दीजिए और थोड़ी देर इसको 2 मिनट लगभग पका लीजिए ढककर। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी आप बनाते हैं तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का यूज़ करें,
इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी गाढ़ी बनती है, पानी अलग नहीं होता मसाले से, तो आप गर्म पानी ही डालें। इसको हमें बस ढककर 2 मिनट पकाना है, और उसके बाद जब ये पक जाए तो आप जो थोड़ा सा पनीर बचा कर रख लें पहले ही, और वो अच्छी तरह से किसकर इसमें डाल दें। पनीर किसकर डालने से ये होगा कि जो आप बटर या काजू या क्रीम डालते हैं उसकी जगह ये पनीर काम करेगा, क्रीमीनेस आ जाएगी ग्रेवी में, एक तो जो कमी रहती है क्रीम या बटर की वो इससे पूरी हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी सब्जी तैयार है, और बस हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको चपाती के साथ खाइए या राइस के साथ, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।